मैंने माँ से मन्नत मांगी थी, जब मेरा बेटा एक साल का होगा तो मैं सोने का मुकुट चढ़ाऊंगी। आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। पंडित जी, ये मुकुट हमारी तरफ से देवी माँ को चढ़ा दीजिए। मंदिर को लूटने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आज ही सुबह मैंने देखा है कि मंदिर में काफी सोना जमा हो गया है। इससे पहले कि कोई और काम कर जाए, मैं समझता हूं कि हमको हाथ साफ कर देना चाहिए। बस उस मंदिर के ताले में चार चाबियां लगती हैं और बनारसी। तुम्हारा मतलब यह है कि बनारसी ने हमारे लिए काम न करने का फैसला किया है? या। लेकिन तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि रुपए पैसे में कितनी ताकत होती है। तुम देखोगे कि बनारसी हमारे लिए ये ताला जरूर खोलेगा। अरे दोस्त, भूल जाए देवरों को, ये बहुत बड़ा पाप है। डायन भी ये कर छोड़ देती है यार। लगता है आज मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। शायद तुम ये भूल रहे हो बनारसी कि पुलिस को बरसों से तुम्हारी तलाश है और मेरे एक इशारे पर तुम जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते रहोगे। कुंदन यार, तू भी चोर, मैं भी चोर। अगर मैं तेरी काली करतूतें पुलिस को बता दूं तो तेरी बनी बनाई इज्जत मिनटों में हाथ में मिल जाएगी। बनारसी, हाथियों से गन्ने खाने की कोशिश मत करो। स्टेशन। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, शहर का बड़ा रईस कुंदन देवनगर का मंदिर लूटने वाला है। कुंदन जिस आदर्श अनाथालय को चलाता है, वहां वो चोरी किए गए बच्चों को खरीद कर उन्हें चोरी करना सिखाता है। पर तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो। मुलजिम कुंदन ने कानून और जनता को धोखा दिया, अपने आश्रम के मासूम बच्चों को चोरी करना सिखाया, एक पूरी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश की। इसीलिए अदालत दफा 363 और 392 ताजीराते हिंद के मुताबिक मुलजिम कुंदन को मुजरिम करार देते हुए काला पानी की सजा दे दी। मैं तुम्हारा उस पर साया तक नहीं पड़ने दूंगी। मैं नहीं जानती तुम्हारा एक रूप ये भी है। मैं धोखे से भगवान से बचकर राक्षस की पूजा करती रही। ये करने से पहले हम दोनों का गला क्यों नहीं घोट दिया? शांति मर गई। शांति, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। कम से कम इस बच्चे का तो सोचो, इसलिए आपका क्या बिगाड़ा था? Thank you.
पाया क्या? उठ। बैठने की जगह नहीं है, मियां सर्राटे भर रहे हैं। आइए बेंच पर, बेंच बैठिए। आइए आइए। जरा भी तमीज नहीं रही। बच्चा नहीं आपका, देखे सो गया। हाँ हाँ, से छूटने के बाद भाभी और मुन्ना की बहुत तलाश की, पर कुछ पता नहीं चला। और वो बनारसी? मुझे रघु से पता चला है कि बनारसी अपने बेटे के साथ बंबई की किसी एक चाल में रह रहा है। छोड़ो उन पुरानी बातों को कुंदन, अब जब तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है तो मुझे दोस्ती मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया बनारसी, अब मैं भी एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता बापू। अरे बेटे आओ आओ आओ, तुम्हारा बेटा है बनारसी। इसे अपने समझो, चाचा को नमस्ते करो। ओ, बहुत प्यारा बेटा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटे? पोदार हाई स्कूल। पोदार हाई स्कूल में, अच्छा अच्छा बनारसी, अब हमें इजाजत दो। अच्छा कुंदन, मिलेंगे। ये पर्स तुम्हारा है? पर्स? क्या मेरा पर्स है? ये पर्स सेठ गिरधरलाल की लाश के पास मिला है और तिजोरी का ताला टूटा हुआ था। साहब रुपए। रुपए? इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे नहीं मालूम ये रुपए कहां से आए, किसके हैं, मैं सच कहता हूँ, यकीन मानिए। हमारी स्कीम के मुताबिक सेठ गिरधारी लाल के हीरे हमारे पास और बनारसी पकड़ा गया, अब रह गया बनारसी का लंगड़ा। मुझे माफ कर देना बेटे। रो नहीं, तेरा बापू जल्दी वापस आ जाएगा। मेरे बापू चोर ने उन्हें ऐसे उठा के लेके गए। हाँ हाँ बेटे, हम जानते हैं तेरा बापू चोर नहीं। आ हमारे साथ चल, हम तुझे तेरे बापू से मिलाएंगे। शाबाश। तुझे भी चोर बनना पड़ेगा, समझा? मेरे बाबू को चोर कहते हो? हाँ हाँ चोर कहते हैं। कालिया, इस सांप के बच्चे को दो दिन और भूखा रखो, अगर ये फिर भी न माने तो इसकी आंखें निकाल लो।
ताकि ये फिर कभी अपने बाप को न देख सके। जहां भी जाएगा दुनिया वाले उसे चैन से जीने नहीं देंगे। अब वो एक चोर का बेटा है। ये किस खुशी में है? बापू, पहली खुशी तो यह कि आप एक महीने में रिहा हो रहे हैं। ओह, और दूसरी खुशी बोल बैठे। बापू, दूसरी खुशी यह कि मैं पुलिस अफसर बन गया। सच बैठे जी तरह बैठे ये ले। लेकिन बेटे, मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन बदमाशों को जिन्होंने तुझे चोर बनाना चाहा पकड़ के उन्होंने मुझे कानून के हवाले कर दिया। धीरज रखो बापू, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटे ले बेटे खा जीते रहो। नकली शराब से कई आदमी अंधे हो गए या मर गए, और नकली दवाओं से कई मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया। शहर से मोटर गाड़ियां बराबर चोरी हो रही हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या किया आपने? सर, हमने शहर के छोटे बड़े सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार कर ली, जिनकी छानबीन करके हम यकीनन किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। नकली शराब और नकली दवाइयां बनाने वालों की तलाश जारी है। ये काम आप किस ऑफिसर के सुपुर्द करना चाहते हैं? जी सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर आप इजाजत दें तो ये काम मैं अपने जिम्मे लेने को तैयार हूं। सर, मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि वो काम धर्मवीर करें। कैसे हो? अल्लाह का फजल है, आपकी मेहरबानी है भाईजान। एक खबर लाया, धारावी के मकान नंबर 44 में शेट्टी नाम का एक आदमी रहता है जो आजकल नकली शराब बनाता है। हेलो मिस्टर शरीफ, मेरा नाम इंस्पेक्टर धर्मवीर है। इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ? मैं आपके पास खुद चला आता था। ये लीजिए, आज तक मैं सबको 500 रुपए देता आया हूँ। आप इस इलाके में नए हैं ना? अगर मैं रिश्वत लेने से इनकार कर दूं तो? आज तक किसी इंस्पेक्टर ने इनकार नहीं किया। आप बहुत समझदार मालूम होते हैं और आप बेवकूफ इंसान हैं। मैं तुम्हें नकली शराब बनाने और रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। फैन लॉक कर दी।
इस दफा आप जो ड्रेस चेंज करके हिंदुस्तान आए हैं तो मेरा ख्याल है शायद इंटरपोल वाले भी आपको नहीं पहचान सकेंगे। It's all in the game. Yeah. फ्यू एंटीक पीसेस जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन मुझे मालूम है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड इन मूर्तियों में होंगे। मेरे एक दोस्त हैं जो म्यूजियम में काम करते हैं वो वहां नकली मूर्तियां रखकर असली मुझे भिजवाए थे। लुक एट द वर्कमैनशिप, दीज आर 500 ईयर्स ओल्ड। व्हाट्स द प्राइस? प्राइस की बात जहां तक है अब आपसे दिन रात का सौदा है तो मेरा ख्याल है कि 5 लाख ईच। ओके, आई विल टेक इट। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इनको बहुत एहतियात से इस मुल्क के बाहर ले जाना क्योंकि पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। डोंट वरी, दैट्स माय प्रॉब्लम। ओके, आई शुड यू गेट इट फिक्स्ड, आई एम जस्ट कमिंग। कहिए, बात क्या है? शहर का एक नया पुलिस अफसर धर्मवीर आपसे शोरूम में मिलने आया है। अच्छा, ये वही है जिसने शट्टी और कई गैर कानूनी काम करने वालों को गिरफ्तार किया है। तुमने इसे खरीदने की कोशिश नहीं की? जिसने भी खरीदने की कोशिश की गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे ये इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक लगता है। हेलो सर, माय नेम इज खेलाल। इंस्पेक्टर धर्मवीर है। थैंक यू, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत अच्छा शोरूम है आपका। अरे साहब, बस यूं ही समझिए। वैसे मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। सुना है आप जिस मोहल्ले और बस्ती में तशरीफ ले जाते हैं वहां के चोर बदमाश दुम दबाकर भाग जाते हैं। जी शुक्रिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, फरमाइए। अरे साहब, पुलिस वालों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। लीजिए सिगरेट। नो थैंक यू, आई स्मोक माय ओन ब्रांड। इस लिस्ट में उन कारों के नंबर हैं जो शहर से चोरी हुई है। अच्छा, मैंने काफी गैराजेस की तलाशी ली लेकिन नाकामयाब रहा। अगर आपकी नजर से ये नंबर गुजरे तो पुलिस को इतला देना भूलिएगा नहीं। अरे साहब, ये तो हमारा काम है। वैसे हमारे गैराज में नई पुरानी सब तरह की गाड़ियां आती हैं लेकिन आज तक कोई चोरी गाड़ी नहीं आई। चोरों के सर पे सिंह थोड़ी होता है। हाँ, न जाने कौन से भेष में धोखा दिया। फिर भी आप ख्याल रखिएगा। ओके, इजाजत चाहूंगा। नाइस मीटिंग यू। इट्स अ प्लेजर। ये सर तो मुझे कुछ ज्यादा ही ईमानदार लगता है। और तुम तो जानते हो कि ज्यादा ईमानदार अफसर हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कालिया, शेरा से कहना कि हमसे आकर फौरन मिले। फिल्म प्रोड्यूसर की गाड़ी लगती है। डाउन टाइगर, डाउन डाउन। कुत्ता है ना, गाड़ी का दरवाजा बंद रहता है तो डर जाता है। मैंने कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, वो कुत्ता है, वो गाड़ी का दरवाजा।
भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा गाड़ी को धक्का दे देंगे आप भाई साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ लगाइए लगाइए, हाँ जरा जोर से, और जोर से। ये गाड़ी भी अपने जैसी है, बगैर धक्का हमारे चलती नहीं। गाड़ी का नंबर भी अपने जैसा है। अपने जैसा है? हाँ। अपनी गाड़ी किधर है? अरे वो अपनी गाड़ी है, चोर चोर। आओ कालिया, बड़े दिनों बाद आए, कैसे आना हुआ? लाल साहब का मैसेज लेकर आया। एक मिनट, इन गाड़ियों का होलिया बदल दे रहे। आपने मुझे याद किया लाल साहब? आओ भाई आओ शेरा, सुना है आजकल तुमने अपना कारोबार काफी बढ़ा लिया है। आप ही का आशीर्वाद है लाल साहब, मुझे आज भी याद है 8 साल ये यतीम शेरा मुंबई के फुटपाथों पे भूख से तड़पता रहा, तब आप ही ने तालीम दी थी, कहा था शेरा लूटना सीख कभी भूखा नहीं मरेगा, और आज लाल साहब ये शेरा अपना ही नहीं बहुत से लोगों का पेट पालता है। बेटे तुमने हमारी तालीम का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया है, अब एक हमारी नसीहत भी सुन लो, पुलिस से हमेशा होशियार रहना चाहिए, आजकल पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई है। पुलिस को चौकन्ना रखना ही तो हमारा धर्म है। तुम्हारे धर्म के बीच में एक धर्मवीर आ गया है, नया नया इंस्पेक्टर बना है, सुना है कुछ जरूरत से ज्यादा ही ईमानदार है। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। कैसे नहीं जाएगी? नहीं तू मेरी जोरू है, मैं देखता हूँ मोहल्ले में कौन रोकता है, मैं गुंडे भी लेकर आया हूँ, चल बचा। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी। तू कैसे नहीं जाएगी? मेरी औरत है तू, मेरी रानी है। मान भी जाऊंगा जी। हरामजादो, यहाँ सिर्फ रानी ही नहीं झांसी की रानी भी रहती है। नशा उतरा के नहीं? उतर गया उतर गया उतर गया। जब तक तू शराब की लत नहीं छोड़ेगा रानी तेरे साथ नहीं जाएगी। क्यों दीदी, ठीक है ना? जैसे ठीक समझो गीता बहन। अच्छा गीता बहन, जब तक ये लत नहीं छूटेगी मैं इसको लेने नहीं आऊंगा, अब तो ठीक है। क्यों बच्चों, कैसा रहा? वाह गीता बहन, कमाल कर दिया, एक एक की खूब धुलाई की। अच्छा अब्दुल भाई, ये है तुम्हारा ब्रश और ये है तुम्हारी बूट पॉलिश। चंद्रू तू गाड़ी तैयार कर, मैं मां से मिलकर आती हूं। गीता रानी, अपनी नाजुक कलाइयों को इन छोटे मोटे चोर चक्कों के लिए तकलीफ मत दिया करो, बस इनके सामने तो अपने शेरा का नाम ले लिया करो। तेरे सामने किसका नाम लूं? अरे मेरे सामने किसे नाम लेने की क्या जरूरत है, एक बार देख लो मैं खुद बखुद गिर जाऊंगा। ये हाथ देखे ना, जिसके मुंह पे पड़ता है लाल हो जाता है। पहले तो इन हाथों में मेहंदी लगाऊंगा मैं, और उसके बाद सारे दिन बैठ के अपनी सूरत देखता रहूंगा तेरी आंखों में। छोड़ दे मेरा हाथ। गीता रानी, ये हाथ तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन इतना याद रखना, इन हाथों के सिवा ये हाथ किसी और के हाथ में जाएगा ना
मैं इसे काट के फेंक दूंगा। माँ, तुझे कितने बार कहा गुंडों के मुंह मत लगाकर, अब तो बच्चे नहीं रही। अरे माँ, तेरी बेटी को कोई हाथ लगा के तो देखे, कच्चा चबा जाऊंगी। माँ, तू कहती थी ना तुझे गीता पढ़ने में तकलीफ होती है, अब अच्छी तरह मेरी माँ गीता पढ़ेगी। गीता बेटी, मेरे लिए तो तू ही गीता है, तुझे देखकर मेरे मन को शांति मिल जाती है। माँ, धंधा शुरू हुआ नहीं, मुफ्त खोर आ गए। अरे भाई, सुबह सुबह ऐसी शक्ल नजर आ गई, अब न जाने दिन भर धंधा कैसा होता है, लाइसेंस भी है फिर भी हफ्ता देना पड़ता है। राम राम साहेब, हवलदार साहेब। फिक्र मत करो, मैं आ गया। माफ करना, मुझे आज ड्यूटी पर आने में देर हो गई। अरे कल तुमने कैसी भेलपुरी खिलाई, रात भर पेट में गुड़ंग गुड़ंग होती थी। ठोकर का खाएगा तो ऐसा ही होगा। क्या बोला? आपको नहीं साहब। हाँ, उसको उसको। हाँ, ले लीजिए आपका स्प्रे। लाओ। आजकल आइसक्रीम में भी मिलावट होती है, पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। ए, मेरे जूते पर थूकता है। हवलदार साहब, किसी और से पॉलिश कराएगा ना तो वो थूकेगा भी नहीं। क्या मतलब? अरे लोगों को खाने को मिले तो थूकने को बने ना। हाँ, महंगाई का जमाना है, आजकल तो खाने पीने को मिलता नहीं, और जो मिलता भी है उसे पेट भी तो नहीं भरता। क्या है? समोसा है। अच्छा रखो, बाद में खाऊंगा। हाँ, पटाटा पूरी ला। गुदगुदी क्यों उड़ता है? अच्छा अच्छा, करो करो, अच्छा लगता है। खाली पत्तों में कुछ छोड़ दिया करो हवलदार साहब, थूके कुत्तों के लिए कुछ खाने के लिए बजाय करेगा। है तुम लोग जाओ, जाओ तुम लोग, बात बोलने लगे हो, अंदर बंद करवा दूंगा। बंद करवा दे हवलदार साला, अंदर कम से कम टेम से खाना तो मिलेगा, और दिन भर कटी हुई टांगों को घसीटते फिरने से छुटकारा भी मिलेगा। करवा दे यार। बकवास बंद। नहीं आए हो क्या? साहब सलाम। लाइसेंस है? है साहब, दिखाई। देखेंगे देखेंगे, पहले गिलास बनाओ। अच्छा साहब। जरा बर्फ कम डालना, तुम लोग बर्फ में कम रस देते हो और रस में ज्यादा बर्फ देते हो। अरे राम राम राम, कितना गंदा गिलास है। भाई धोया है। अरे मक्खियाँ उड़ाओ, मक्खियाँ। तुम लोग हैजा फैलाओगे क्या, सबका चलान कर देंगे। हाँ जाओ। ऐसा किया ये हवलदार साहब। हाँ। और जब पैसा दे जाओ आ खाना भाया। पैसा? पैसा तो क्या हराम कर रहा, जब गटर गटर डकार गए हवलदार। हवलदार को गाली देता है। अच्छा, हम गाली देता है। चलाता हूँ हवलदार को गाली देता है, चल थाने में चलता हूँ। हाँ अरे चलो थाने, हम चलते हैं। तेरी दुकान का ख्याल रखना, हम अभी गए, अभी आए। हाँ चला, अच्छा छोड़ दे, अजय चल। तो तुमने हवलदार को गाली दी है? नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ बोलता है। साहब हम गरीब दुकान वाला है, हम हवलदार को गाली देगा तो साहब अब धंधा कैसा करेगा। जी साहब, जी साहब हमसे हफ्ता मांगता है। हफ्ता? हफ्ता क्या होता है राम सिंह? साहब तुमको बाद में बताएगा हफ्ता क्या होता है। ये बिल्कुल झूठ बोलता है साहब, नाके पर इसकी गाड़ी खड़ी थी, हमने कहा गाड़ी हटाओ, ये साला हमको हमको गाली दिया था। साहब हम भगवान का सब कुछ नहीं किया साहब, वो तो हमारे गाड़ी में नहीं रहा। हमारा तो साहब गन्ने का रस का एक पक्की दुकान है, जगह हमारे पास लाइसेंस भी है साहब। रोज आके हमारा धंधा चौपट कर देता है साहब, रोज आके भेलपूरी खाता है। तुम जा सकते हो। तुम नहीं, तुम जा। भोला जी साहब, तुम्हारी वर्दी उतार के हफ्ते भर के लिए तुम्हें अंदर कर दूंगा, तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि हफ्ता क्या होता है। ड्यूटी पर भेलपुरी खाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? हुजूर माई बाप, मैं तो भेलपुरी चेक कर देखता था कि उसमें मिलावट है कि नहीं, बच्चे औरत खाकर बीमार ना पड़े इसलिए टेस्ट करता था। मैं तो जनता की सेवा करता हूँ साहब। एक दिन जनता तुम्हारी सेवा कर देगी, तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। बोला जी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो बहुत बुरा होगा। आउट। ये लीजिए। ये तो इस सामान के हुए, वो पिछला बिल भी थोड़ा बाकी था। वो भी जल्दी चुका दूंगी लाला,
बहुत जल्दी चुका दूंगा। कोई बात नहीं, कोई मैं तो मैंने यूं ही याद दिला दिया था। वैसे आपकी दुकान है, जो भी सामान चाहिए ले जाओ मिडंके की चोट पे। राम राम। अरे पोपा, वो लिप्टन की चाय किधर है? आता हूं माजी। ये लो माजी, आपका मंगलसूत्र। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आज मेरा बेटा खोया ना होता। भगवान पर भरोसा रखो माँ जी, एक दिन आपका बेटा आपको जरूर मिल जाएगा। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे बेटे।
शुरू पर ड्यूटी पर आया है ना, चोरी चकारी गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। हौला साहब, कितनी अजीब बात है ना, इतने दिनों से इस तरफ कोई जेब कतरा नजर ही नहीं आ रहा। अजीब बात यह है, मेरी जहाँ भी ड्यूटी होती है ना, मैं सबके जेबों का ख्याल रखता हूँ। हवलदार साहब, अब बोल बेटा। हवलदार साहब, मेरी जेब से किसी ने पर्स निकाल लिया। हवलदार साहब, मेरा भी पर्स साफ हो गया। पर्स साफ हो गया। मेरी भी जेब कट गई। तेरी भी कट गई। हवलदार साहब, मेरा भी। इसका भी गया। इस सबके जेब कट गए, मैं जरा भी आता हूँ। सुनिए हवलदार साहब, जाने की क्या जरूरत है, हमें मालूम है कि जेब कतरा कहाँ है। सरकारी वर्दी पहन ली है, क्या करती है? हाँ ये इसका है और ये उसका है। देखा, मैं सबके पर्स का ख्याल रखता हूँ। मैं भी आया हूँ। अरे ठहरिए हवलदार साहब, आपके चरणों में। जरा मेरी दुकान का ख्याल रखने में से ठिकाने लगा के जानते हो हवलदार पर हाथ उठाने की क्या सजा होती है? अरे साहब, ये हवलदार नहीं है, भेड़ के रूप में भेड़िया है। क्या मतलब? हाँ साहब, ये हवलदार की वर्दी में जेब कतरा है, मैंने इसे जेब काटते हुए देखा है। एए, कौन सी चौकी में काम करते हो? हम पुलिस में नहीं है साहब। तो फिर क्या करते हो? बेकार है, काम धंधा नहीं है साहब। ये वर्दी कहाँ से चुराई? चुराई नहीं साहब, नाटक कंपनी से 5 रुपए भाड़े पे लाया। आईची शपथ। आईची शपथ। बोला जी, ये वर्दी उतारो और लॉकर में बंद करो। अरे अरे नहीं नहीं, अंदर उतार ले, अंदर उतार ले, अंदर उतार ले बाबा, उतार ले। गीता जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। एक कप चाय तो पी के जाइए। आइए। गीता, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसका तुम्हें क्या मालूम? काश मैं इसे कह सकती कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। रात दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूँ। मैं जब किसी वर्दी वाले को देखती हूँ तो तुम्हारी याद आ जाती है। आज मैं इसको कह देता हूँ। मैं सोचती हूँ आज कह ही दो। कह दो? कह दो। कह दो? कह देती हूँ। चाय? हाँ। कब आएगा बुलाओ? बड़े साहब। मैं नहीं चलती। नहीं नहीं मैं बड़े चाची ना बड़े साहब बुलाओ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट सर। कालिया, शेरा से कहना कि कल बाहर से 20 लाख रुपए का माल आ रहा है और अपनी हॉस्पिटल वैन नंबर है BMR 999 ले जाकर माल हिफाजत से लाकर रख देना। ओके। हॉस्पिटल वैन BMR 999 में दवा की जगह दारू, चरस, अफीम, गांजा और कई किस्म की स्मगलिंग की चीजें खुफिया अड्डे तक पहुंचाई जाती हैं।
मुझे मदी पे पूरा भरोसा है। वो पुलिस को क्या, खुदा को भी मेरा नाम पता नहीं बताएगा। इंस्पेक्टर धर्मवीर बाल की खाल उतार लेता है और आदमी की भी। मदी उसकी मार सह नहीं सकता है। अच्छा, ऐसे बड़े बड़े सुरमा देखे मैंने। पुलिस चौकी का नंबर मिलाओ, बुलाओ उस थानेदार के बच्चे को। ठीक है। कौन है? कौन है? मैं तो हमेशा के लिए यहाँ बंद कर दूंगा। कौन है? साहब आपका फोन। बताओ बताओ, बहुत जरूरी है साहब। बताओ ना। हेलो, इंस्पेक्टर धर्मवीर स्पीकिंग। बहुत नाम सुना है आपका यार थानेदार साहब। आपने बड़ी वीरता का काम किया मेरे ड्राइवर को पकड़ के। अब एक धर्म का काम और भी कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। कौन हो तुम? हम अपनी चौकी के थानेदार बोल रहे हैं जी। उस दिल हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है इंस्पेक्टर साहब। तुम किस गली के कुत्ते हो बता दो तो मैं वहीं आ जाता हूँ। हम कुत्तों का शिकार नहीं क्या करते, शेरों का करते हैं। अगर दो घंटे के अंदर अंदर मेरा ड्राइवर यहाँ पहुंचा नहीं, तुम्हारी लाश किसी को मिलेगी नहीं। बोला जी साहब। नहीं, मैं कोई जल्लाद नहीं जो तुम्हें मार डालूंगा। जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं तो तुम बताओगे क्या? वैसे अपने इंस्पेक्टर साहब कुछ समझते ही नहीं। आदमी भले ही मर जाए पूछते ही रहते हैं। हवलदार साहब, आप बहुत दयालु आदमी हैं। हवलदार साहब, आप मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे भाई कैसे बचा ले, बड़ा जोखिम का काम है। कुछ माल ढीला करो तो कुछ न कुछ सोचे। हवलदार साहब, इस वक्त मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। हवलदार साहब, किसी कहना नहीं, हाँ जाओ भाग जाओ, माल खड़ा है। लीजिए साहब। आराम सादे सर, इसमें भी कोई चाल होगी जरूर। पुलिस वालों को रिश्वत देना इतना आसान नहीं, समझे? तुम ठीक कह रहे हो शेरा, हम पुलिस वालों को रिश्वत देना इतना आसान काम नहीं। चलो अपने कुत्ते की चेन। नहीं, आज पहला मौका है कि इस मोहल्ले में किसी पुलिस वाले ने कदम रखा, और मैं वादा करता हूं कि अपने थानेदार साहब का स्वागत बड़े शान से करूंगा।
बोलो जी साहब। इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ, मैं एसपी साहब से मिलकर आता हूँ। चलो चलो। हेलो सर, आपके शेर को शिकारी पकड़ के ले गए। क्या नाम है शिकारी का? इंस्पेक्टर धर्मवीर। ओ ओ ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फिर बात करता हूँ। अरे भाई तुम खुद ही भर दो, दान पुण्य अपने हाथों से अच्छा होता है। अच्छा साहब, तो फिर हम ही लिख देते हैं। क्या नाम है आपकी संस्था का? बाल भवन संस्था। बाल भवन संस्था, इक्कीस हजार का चेक है, काफी होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ वर्मा जी, इतवार के दिन शाम को हमारी होटल की ओपनिंग है, आना ना भूलिएगा, और अपने साथ इंस्पेक्टर धर्मवीर को जरूर ले आइए भाई, वो लड़का हमें बहुत पसंद है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं किसी वजह से आ न सका तो धर्मवीर को जरूर भेजूंगा। ओके ओके, अच्छा नमस्ते। नमस्ते। शेरा को छुड़ाने का फौरन बंदोबस्त करो, जाओ। केलाल अपने आदमियों की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानता है, और केलाल के माया जाल से बचना बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे 10 लाख का माल पकड़वा दिया, और ऊपर से वो धर्मवीर का बच्चा कहता है शेरा को फांसी लगवा के छोड़ूंगा। अरे शेरा के गर्दन के साइज का तो फंदा नहीं बना आज तक, वो क्या फांसी लगाया साला। एक बार मेरे हाथ चढ़ जाए साफ कर दूंगा उसे। शेरा ये साफ सफाई का काम तुम हम पर ही छोड़ दो, और फिर वैसे भी पुलिस वालों को अपना बाप ही समझना चाहिए, चाहे वो उम्र में कितने ही छोटे हों, क्योंकि पता नहीं किस वक्त वो कौन सी चाल चल जाए। चाल तुमने कोई बुरी नहीं चली, लेकिन कई बार दुश्मन भी मात दे जाते हैं, इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा। वैसे तुमने उसके कुछ आदमियों को पकड़ लिया है, लेकिन उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हाँ, गैराज में से 20 चोरी की गाड़ियां भी पकड़ी गई। वेरी गुड माय बॉय, कीप इट अप। और हाँ, इतवार के दिन लाल साहब के होटल की ओपनिंग है। कालिया, इंस्पेक्टर धर्मवीर के पास एक इसी तरह का सिगरेट लाइटर है, और मैंने इस सिगरेट लाइटर के अंदर एक नहायत ही खतरनाक मिनी बॉम्ब रख दिया है। हम लोग इस लाइटर को इंस्पेक्टर धर्मवीर के लाइटर से बदल देंगे, और जब इंस्पेक्टर साहब इस लाइटर का इस्तेमाल करेंगे तो उनका भी वही हशर होगा जो सामने वाले पुतले का हुआ। Thank you.
जो दवाई लिख के दी सब दे दी, लेकिन फिर भी। घबराओ नहीं, मैंने ये कुछ दवाइयां लिख दी हैं, बाजार से मिल जाएंगी। पहली दवाई 4-4 घंटे के बाद देना और दूसरी सिर्फ 1। वैसे इंजेक्शन में दे रहा हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये दवाइयां कितने की होंगी? है तो महंगी ही, लगभग 200 रुपए लगेंगे। 200? माँ बीमार है, कोई बात नहीं, 200 क्या, 500 ले जाओ डंके की चोट पे। आ जाओ अंदर। अंदर? अरे तिजोरी में से निकाल के दूंगा ना डंके की चोट पे, आ जाओ आओ। अरे पोपट, हाँ जी। लोली पॉप रखना। हाँ जी। दुकान संभालना, मैं पूजा करके आता हूँ। हाँ अच्छा जी। लाला, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए ना। तेरी माँ बीमार है ना, वो पैसे चाहिए। पैसे से इलाज होगा, इलाज पैसे से होगा, पैसे से बोल लाला, कर दो तुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे माफ कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बहन जी। शर्मी आती अपने गंदे मुंह से बहन जैसा पवित्र लफ्ज निकालते हुए। अगर तूने किसी लड़की को बुरी नजर से देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल के तेरी हथेली पर रख दूँ। समझा? नहीं देखूँ। समझा क्या? नहीं 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 देखूँगा। 180 रुपए। मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो मैडम मुफ्त में दवाइयाँ नहीं मिलती। लेकिन मुझे उधार दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। देखिए मैडम, हम किसी को उधार नहीं देते। आइए आइए सेठ जी, ये दवाइयाँ बांध दीजिए, पैसे मैं बांध दूंगा। आप तो सेठ जी शर्मिंदा कर रहे हैं, जब चाहिए पैसे दे जाइए। थैंक यू। हम किसी को उधार नहीं देते। मैं भी पैसे बाद में दूंगी। अरे पकड़ो पकड़ो। क्या कर रही हो? माँ के लिए दवाइयाँ लेके जा रही थी, आपको देखा, सोचा लिफ्ट मिल जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, अभी लिफ्ट दे देते हैं। अगर इजाजत हो तो सिगरेट पी लूँ? एक सिगरेट मैं भी पीऊंगा। नहीं, लड़कियों के लिए सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता। मर्दों के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, नहीं पीते। थैंक यू। चलो मैं तो इनसे पहले मिल चुका हूं। शांति भाई, अब तुम आराम करो, जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। शायद इन्हें सर्दी ज्यादा लग रही है, एक और कंबल ले आओ। कंबल?
अच्छा मैं चलता हूँ, माँ को मेरा प्रणाम कहना। आपका कोट? नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से आंख लगी है, कहीं जाग नहीं जाए। रहने दो, कोई बात नहीं। उत्तम, हाँ, ये टाइम बॉम्ब इस गाड़ी के नीचे फिट कर देना। ठीक। पी सकता हूँ? एक सिगरेट मैं भी पीऊंगी। लड़कियों के लिए सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, तो क्या मर्दों के लिए अच्छी बात है? लो, हम सिगरेट फेंक देते। बुद्धू कहेगा, कितना डरता है मुझसे, मैं थोड़ी कोई सिगरेट पी रही थी। गीता बेटी, माचिस का मुझे नहीं मिल रही है। अरे ये कोट क्यों पहन रखा है? बेटे ये तेरे हाथ में क्या है? ये है सिगरेट चलाने के लिए लाइटर। तू सिगरेट पीती है? ओ नहीं माँ, ये धर्मवीर की कोट में पड़ा हुआ था। अच्छा मुझे दे, मुझे अगरबत्ती जलानी है, पूजा में देर हो रही है। माँ तुझे जलाना नहीं आएगा, तू जाके माचिस से जला लेना। माचिस घर में नहीं है बाबा। दे बेटी, पता तो करना था धर्मवीर इतने दिनों से क्यों नहीं आया। मैंने पता किया था माँ, वो चार दिनों के लिए किन्हार काम से गए। बड़ा अच्छा लगता है संतोषी माँ धर्मवीर की उम्र लंबी करे। अरे बेटे तुम, मैं अभी तुम्हीं को याद कर रही थी। बस माँ ने याद किया, बेटा आ गया। जीते रहो। लो बेटे प्रसाद, तुम लोग बातें करो, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। माचिस देना बेटे। आइए चलिए बैठे। जा लौट रहा। ओहो, अच्छा भाई नहीं पीते हैं। शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ आज मैं से कह दूँ। मौका अच्छा है, कह दे यार। अगर इसने इनकार कर दिया तो मैं तो इसकी चटनी बना दूंगी। लड़की तेज है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए बेटा धर्मवीर। हिम्मत करके कह दे। हिम्मत कर
और कह ही दे। कह दे। कह दे यार। मुझे बहुत दिनों से कहना था कि मुझे तुमसे प्यार है, सिर्फ प्यार और कुछ भी नहीं। सेठ चुरड़िया अपनी फैमिली के साथ लंदन गए हुए हैं और सुना है कि उनकी सेफ में तकरीबन 5 करोड़ के हीरे हैं। लेकिन वो सेफ इलेक्ट्रॉनिक है, उसे खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तो मैं जानता हूं। और ये है वो ब्रीफकेस जिसे मैंने फॉरन से मंगवाया है और इसमें वो सारे औजार हैं जो हमें उस सेफ को खोलने में काम देंगे। और अंदर की खबर यह है कि आज सारे नौकर किसी शादी में जा रहे हैं, वहां सिर्फ एक खानसामा होगा। Thank you.
वन फाइव नाइन। इंस्पेक्टर धर्मवीर, हाउ आर यू? वेरी वेल। ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ, मेरी है। कुछ देर पहले एक कट्टा चोर आपकी गाड़ी के व्हील कैप चुराने की कोशिश कर रहा था, मुझे देखकर भाग गया। अच्छा, आपकी गाड़ी खुली थी, मैंने सोचा गाड़ी का मालिक बंगले के अंदर होगा, अंदर गया लेकिन कोई मिला नहीं। मैं तो कहता हूँ साहब, बजाय व्हील कैप चुराने के काश ये गाड़ी ही चुरा कर ले जाता। साहब जब से खरीदी है हर दूसरे तीसरे दिन सड़क पर खड़ी हो जाती है, और शहर में रोजाना कोई ना कोई गाड़ी चोरी होती है, और नहीं चोरी होती है तो यही गाड़ी नहीं। कहिए क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जी नहीं जी नहीं, मेरा ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया है, जब उसके आने में देर हुई तो मैं भी उसके घूमने निकल गया। लीजिए हॉपर सिगरेट। नहीं ला साहब, मैंने हाल ही में सिगरेट पीना बंद कर दिया। बंद कर दिया? ओह वेरी नाइस। हेलो, मैं समझता हूँ मैं भी अपने डॉक्टर की बात मान ही लूँ, मैं भी सिगरेट कम कर देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा राजा, आप अपने ड्राइवर का इंतजार करिए, मैं चलता हूँ। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच सर।
आज हम बहुत खुश हैं। ये लो, आयश करो। तुम? जी, मेरा नाम शेरा है। मैं जानती हूँ, यहाँ क्यों आए हो? मैं आपका आशीर्वाद लेने आया। दरअसल बात यह है कि अपना तो इस दुनिया में कोई है नहीं, इसलिए धर्म का शगुन लेके मुझे खुद ही आना पड़ा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तुम जैसे चोर बदमाश को अपनी ही क्या, कोई दुश्मन की बेटी भी नहीं देगा। अरे माँ जी, दुश्मन से शेरा मांगता थोड़ी है, छीन लेता है। और फिर शादी ब्याह के मामले में छीना झपटी अच्छी नहीं लगती। खुशी खुशी अपनी बेटी विदा कर लीजिए और गंगा नहा लीजिए, वरना। अगर ये धमकी है तो याद रखो, माँ की शक्ति को खत्म करना उनके बस की बात नहीं जिन्हें माँ जन्म देती। शेरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है गीता, लेकिन जिससे वो प्यार करता है वो किसी और की हो, ये बर्दाश्त नहीं। छोड़ दे मेरा हाथ। आपकी गाड़ी में भागते देख लिया, उसने मेरा पीछा किया। अचानक गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, मैं तो बच के आ गया, लेकिन आपकी गाड़ी वहीं छोड़ के आने पड़े। कोई बात नहीं, उसका भी इंतजाम करते हैं। एसके, गिव मी पुलिस स्टेशन प्लीज। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। माफी चाहता हूँ, खाने के वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे साहब, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आइए तशरीफ रखिए। मोहन साहब के लिए सूप प्लेट। जी नहीं, नो थैंक यू, खाना तो मैं घर जाकर खाऊंगा। अरे साहब, इसे भी अपना ही घर समझिए, लीजिए। लाल साहब, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे बातें तो होती ही रहेंगी, पहले ये कबाब खाइए, मोहन ने हमारे लिए खास तौर पर बनाया है। क्यों, है ना मजे का? अब ये लीजिए, तंदूरी चिकन तो आपने बहुत खाई होंगी, जरा ये भी देखिए, लीजिए लीजिए। तंदूरी चिकन बनाना तो हर आदमी के पास का रोग नहीं होता ऐसा। मैं तो कहता हूँ बाप, थोड़े से चावल भी ले लीजिए। वाह वाह वाह, और इस भेड़ी का चटखारा तो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते साहब। लो ये सूप अब ले आया, लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आखिर आपने हमारा नमक चख ही लिया। लाल साहब, हम पुलिस वाले अपने फर्ज के सामने नमक और शक्कर को एक जैसा ही समझते हैं। तो फिर जरा सा मीठा भी चख लीजिए, ये खीर मैंने अपने हाथ से बनाई है, लीजिए। साबुदाने की और बहुत मजे की है। कहिए, खीर में कोई बात है ना? साबुदाने की है। लाल साहब, कभी कभी मैं सोचता हूं कि उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जिन्हें इतना अच्छा खाना खाने को मिलता हो और फिर अचानक जेल का खाना खाना पड़े। अरे साहब, ये तो अपने अपने कर्मों के फल हुए, लीजिए आप भी फल खाइए। नो थैंक यू। लाल साहब,
दरअसल मैं आपसे आपकी गाड़ी के बारे में बात करने आया था। अहे जी हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ चोरी होगी, मेरा रोज का सरदर्द ही खत्म हो गया। एक्सक्यूज मी, लाल स्पीकिंग। लाल साहब, आपकी गाड़ी रात में चोरी हो गई थी, मिल गई। लीजिए, किस मुश्किल से गाड़ी चोरी हुई थी मालूम हुआ कि मिल गई है। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि चोर कौन था। कहते हैं कि चोर नहीं पकड़ा गया। जी चोर का पता चलते ही आपको खबर कर दी जाएगी। आप पुलिस स्टेशन में गाड़ी भगवा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस वालों का महकमा तो कुछ हमारी समझ में आया नहीं। माल मिल जाता है लेकिन चोर का पता नहीं चलता। आप देखिए ना, सुबह मेरी गाड़ी चोरी हुई और शाम को मिल गई, लेकिन किस लाई किसने थी इस बात का पता नहीं चला। होशियार चोर अक्सर देर से पकड़ा जाता है। जी हाँ, आजकल वैसे भी कुछ चोरी डकैती ज्यादा होने लगी है। आप देखिए ना, सुना है कि चुरड़िया सेठ के बंगले से तकरीबन 5 करोड़ के हीरे चोरी हुए हैं। आज तक न चोर का पता है और न हीरो का। हीरे और चोर जल्द पकड़े जाएंगे। लाल साहब, पुलिस के महकमे में देर है, अंधेर नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं चलता हूँ, आपके खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब, आपने खाना क्या खाया, आप तो तकल्लुक करते रहे। खैर, इसे अपना ही घर समझिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो बेटे, लेकिन हम भी तुम्हारे बाप हैं। हेलो, इंस्पेक्टर धर्मवीर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, हमारा पीछा करना छोड़ दीजिए। कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। बाप जी, आपका नाम तो होगा। तुम्हारी मौत। मौत? डराने के लिए बोल रही है या डर कर बोल रही है? मौत किसी से नहीं डरती है। हम तो सांप के काटे का मंत्र जानते हैं, जब कहीं जाकर बिच्छू पकड़ते हैं बेटे। बाप बेटे का खून करेगा? क्यों नहीं, कलयुग में सब कुछ हो सकता है। कलयुग के बाप, मुझे मेरी माँ की कसम है कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। हवलदार, घर की चाबियां निकालो। निकालो। हाथ ऊपर करो। चलो। चालाकी मत करना। घूमो मेरी तरफ, आंखें बंद करके घूमो। खोलो आंखें। बापू। बेटे। अरे बापू, लेकिन बापू आपकी रिहाई में तो अभी वक्त था। अरे बेटे, शरीफ बेटे का शरीफ बापू छोड़ दिया उन्होंने जल्दी से। ओ रो 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 रो। थानेदार साहब, ये हमारी होने वाली थानेदार नहीं है क्या? अरे भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है, इसके माँ बाप का पता बता दो, हम फौरन बात कर लेंगे उनसे। अरे बापू, इतनी जल्दी क्या, वक्त आने पर बता दूंगा। अच्छा बापू, चाबियां तो आपके पास है, घर की खिड़कियां बंद कर देना, मुझे देर हो जाएगी रात को। अच्छा ठीक, नहा लेना। हाँ हाँ, लेकिन देखो बेटा जल्दी आइयो। हाँ देख, अब जल्दी से इस घर की बहू रानी बन के आ जाओ, ताकि हमारा पिंड छूटे। आज रात को हमारी बस्ती में छोटा सा उत्सव है, तुम जरूर आना। आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? बता दूं। तुम वहां देखो। अरे शेरा, इससे पहले कि वो पागल कुत्ता हमें भी काट ले, उसे गोली मार देनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, कुत्ते को कुत्ते की मौत ही मिलेगी आज रात को।
नजरों में बेकार हूँ, मजबूर हूँ मैं तो लाचार हूँ, मजबूर हूँ मैं तो लाचार हूँ, यारों पे मरने को तैयार हूँ। मुझको नाज है तू मेरा यार है, मुझको नाज है तू मेरा यार है, प्यार जिंदगी है, जिंदगी प्यार है, और प्यार क्या है, एक एतबार है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से इसकी हालत नाजुक है, इसके ब्लड ग्रुप का खून मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब मेरा खून जांच के देख लीजिए और जितना खून चाहिए निकाल लीजिए। मैं धर्मवीर को मरने नहीं दूंगा और हम उसे जीने नहीं देंगे। कौन से हॉस्पिटल में है वो? नेशनल हॉस्पिटल में। जिंदगी में मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरा सब कुछ लूट गया, लेकिन अब धर्मवीर को बचा लो माँ, धर्मवीर को बचा लो, धर्मवीर को बचा लो माँ। अपने रसूल के सदके में मेरे दोस्त धर्मवीर की जान बचा दे मेरे अल्लाह। Thank you.
कम से कम फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 30। इंस्पेक्टर धर्मी का कमरा? जी हाँ, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, हमें धर्मी को मिलना चाहिए। आखिर तुम बताते क्यों नहीं, वो कौन था जिसने अस्पताल में तुम पर हमला किया? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सर मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि कब और कैसे मेरा मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गया। ठीक है, कुछ दिन तुम और आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। नो नो नो, टेक रेस्ट एंड गेट वेल सून माय बॉय। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी पुलिस को कुछ नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों, किस लिए? इसलिए कि मेरी बात का किसी को यकीन नहीं आएगा कि अस्पताल में मुझ पर वार करने वाला शहर का मशहूर सेठ केलाल था। इससे पहले कि वो बाप बेटा कोई और हरकत करे, हमें कोई ना कोई तरकीब करनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए लाल साहब, मैंने इंस्पेक्टर धर्मवीर के घर में कुछ गैर कानूनी चीजें रख दी और उसकी इत्तला पुलिस तक पहुंचा दी। वेरी गुड शेरा। सॉरी इंस्पेक्टर धर्मवीर, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये अफीम गांजा चरस जरूर किसी दुश्मन ने लाके रखा है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। इंस्पेक्टर, कोई बात नहीं बाबू, मुझे यकीन है कानून कभी गलत फैसला नहीं करेगा। लेकिन विजय, चलो आला। मैं भुगत चुका हूं बेटे कानून का फैसला, लेकिन तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। मैं एक चक्कर चला देता हूं। धर्म कहां है? अंदर है। धर्म, धर्म, ये चिड़िया कब से पालनी शुरू कर दी? धर्म, पसंद आई चिड़िया? तुम्हारी तरह है, मासूम, भोली, अलहड़। यहां से तुम तो क्या, ये चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
अब्दुल बोला हूँ। नमस्ते अब्दुल। गीता को क्या हुआ? गीता को? गीता को शेरा उठाकर ले गया है। क्या लाल साहब की गाड़ी में? मुझे लगता है कि शेरा का ताल्लुक केलाल से जरूर है। हवलदार तुम क्यों गवर्नमेंट का ताला खराब कर रहे हो? चाबी से खोल लो, चाबी से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाबी से खोल लो। हो बोला बोला, मेरी खातिर तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप बेकसूर हैं और आप ही सिर्फ उन बदमाशों को पकड़ सकते हैं। आप जाइए, लेकिन एक छोटी सी विनती है। वो रस्सी है, उसे मुझे अच्छी तरह से बांध कर जाइए ताकि किसी को शक न हो कि मैंने ही आपको छोड़ दिया है। वो रही, जल्दी कीजिए। अशरफ रखी हवलदार साहब, आज उल्टा चोर कोतवाल को बांधे। थैंक यू भोला। थैंक यू। जय राम जी की। जय राम जी की। हैप्पी लगा मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना, शेरा कभी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी शादी होने वाली है मुझसे। मध्य। हाँ जी। जाकर अपने भाभी के लिए कुछ कपड़े तो ले आना। और हाँ, शादी में माँ बाप के आशीर्वाद का होना बहुत जरूरी है, जरा इनकी माँ को भी अपने साथ ले आना। ओके। समझते क्यों नहीं? मैं समझा देता। अच्छा हुआ आप आ गए थानेदार साहब, आज हमारी शादी है, आप हमारे बराती बन के हमें सेवा का मौका दीजिए। चलिए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अम्मा बनारसी, तुम जेल से कब बाहर आ गए? बेटे, यही है वो जालिम कुंदन जिसने मुझे झूठे इल्जाम में उम्र कैद की सजा करवाई और तुम्हें चोर बना दिया। कुंदन, इतनी जल्दी क्या है धर्मवीर, थोड़ी देर और जिंदा रह लो। रुक जाओ दुल्हनिया, तुम्हारा होने वाला दूल्हा तो मैं हूँ, वो नहीं। शांति शांति, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ है मेरा बेटा बताओ, कहाँ? मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। छोड़ दो इसे, बना दो, तू जो मांगे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, बता मेरा बेटा कहाँ है। बहन जी,
आपने मुझे पहचाना नहीं। याद कीजिए, आज से कई बरस पहले एक दिन आप एक रेल के डिब्बे में सफर कर रही थी, मैं भी उस डिब्बे में था, और आपका एक छोटा सा बच्चा धर्मवीर ही आपका बेटा है। माँ, लेकिन बापू। हाँ बेटे, तुम इन्हीं के बेटे हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाला है भाई साहब। उस हादसे के बाद ये दिन माँ बाप की बच्ची गीता मुझे मिल गई और इसी के सहारे मैं जीती रही। वाला साहब मुबारक हो, आज कितनी खुशी का मौका है। आज आपको अपनी खोई हुई पत्नी, अपना बिछड़ा हुआ बेटा दोनों मिल गए, मुबारक हो। मैं भी कितना भागा हूं कि जिंदगी भर अपने बेटे को मारने की कोशिश करता रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो धर्मवीर। जुर्म की इस दुनिया में कितने बेगुनाह बेटे बेमौत मार दिए जाते हैं लाल साहब, लेकिन कानून उसकी सजा आपको जरूर देगा। ये जानते हुए भी एक मुजरिम मेरा बाप है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। बेहतर यही है कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दें। शेर, खुशी के इस मौके पर हम अपने लूट का माल और अपने तमाम साथियों के साथ अपने आप को पुलिस ऑफिसर धर्मवीर के आगे सरेंडर करते हैं और आज से ये नाटक खत्म करते हैं। नाटक तो अब शुरू होगा लाल साहब, कोई सरेंडर नहीं करेगा। बंद है सबको। अरे रुक जाओ दुल्हनिया, इतनी जल्दी क्या है। मैं तो भूल गया था, ये तो लाल साहब का पालतू कुत्ता है। वाह लाल साहब वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज तक बेईमानी के इस कारोबार में हम आपके हाथों में मोरों की तरह पिटते रहे, लेकिन आज जब आपको अपनी खोई बीवी और बेटा मिल गया तो आप इनके हाथों का खिलौना बनकर हम सबको मौत के मुंह में उतारना चाहते हैं। लाल साहब, बेईमानी के इस धंधे में ईमानदारी की सजा मौत है और मैं आपको सजाए मौत देता हूं।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मेरे एक ही इशारे पर यह बम तुम्हें भगवान के हवाले कर देगा। भगवान का फैसला सामने आ गया धर्मवीर, मेरी तकदीर में गीता है, तुम्हारी तकदीर में मौत। फैसला बदल गया दोस्त, काश तुम्हारे बाप ने मुझे पेट भरने का कोई दूसरा तरीका सिखाया होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह शरीफ और ईमानदार होता, और गीता मेरी। एक दफा तो मैं काले पानी की सजा भुगत चुका हूं, अब अपनी औलाद के लिए फिर से भुगतने को तैयार मेरे बेटे। कोई